हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं अंकित विश्वकर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आईटीआई के बाद डिप्लोमा या अप्रेंटशिप। आईटीआई के बाद हम डिप्लोमा करें या अप्रेंटशिप करें, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं आईटीआई वाले, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग आईटीआई करने में डिप्लोमा कर ले या आईटीआई करने बाद अप्रेंटशिप कर ले तो हमको क्या करना सही रहेगा और किस प्रकार से कहाँ से करना सही रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना ताकि ऐसी अपडेट फ्यूचर में आपको अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा आप लेटर एंट्री से के द्वारा डिप्लोमा कर सकते हो। लेटर एंट्री से डिप्लोमा करने का आपका ये फायदा है कि आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है और आपको जो ट्वेल्थ बेस के जो सब्जेक्ट रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वो चीज़ें नहीं पढ़ने को मिलती है। साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन होता है वो किसी प्रकार के एग्जाम देकर नहीं, आपका डायरेक्ट जो होता है आईटीआई के परसेंटेज बेस पर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा अगर आप करोगे आईटीआई के बाद तो आपका जो थ्योरी नॉलेज होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो आईटीआई बेस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाता है। साथ ही साथ डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा में आपको थ्योरी का नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है, तो दोनों आप लोग मतलब दोनों की चीज़ों कंबाइन हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा जाता है और आपका थ्योरी नॉलेज भी अच्छा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोमा करने का, आपका एक फायदा और है कि अगर आप चाहो तो आईटीआई के अगर आईटीआई से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो आप आईटीआई की वैकेंसी भर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा की वैकेंसी आती है और जेई लेवल की वैकेंसी आती हो तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहते हो, तो आप दोनों प्रकार की वैकेंसियों को आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये आपके लिए एक एडवांटेजेस हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर आईटीआई के बाद डायरेक्ट अप्रेंटशिप कर ले तो अप्रेंटशिप भी आप कर सकते हो। अप्रेंटशिप करना है तो आप रेलवे से कर सकते हो, पावर ग्रिड से कर सकते हो, और भी अदर कंपनीज रहती है, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां से भी आप लोग अप्रेंटशिप कर सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अगर आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखिए फ्रेंड्स, जो स्टडी चलती है हमारी आईटीआई में उसके साथ कंटिन्यू आपकी स्टडी चलती रहेगी, तो कंटिन्यू स्टडी आप लोग अगर कर लेते हो तो क्या है, बीच में स्टडी छूटती नहीं है, पढ़ाई आपकी छूटती नहीं है। अगर आपने जस्ट आईटीआई किया और आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा कर लोगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज इधर कम चल रहा था वो उसका नॉलेज एकदम इधर बढ़ जाएगा और आपका अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। रही बात अप्रेंटशिप की, तो आप अप्रेंटशिप डिप्लोमा करने के बाद भी कर सकते हो और आईटीआई करने के बाद भी कर सकते हो। अगर डिप्लोमा से करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलता है और उसके साथ साथ अलग फैसिलिटीज भी मिलती है, तो आप डिप्लोमा से भी अप्रेंटशिप कर सकते हो और आईटीआई से भी कर सकते हो। तो चाहो तो आप डिप्लोमा कर लो या अप्रेंटशिप कर लो, दोनों ही आप कर सकते हो, दोनों ही में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरा सजेशन ये है कि आप पहले क्या करिएगा, पहले आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिए। डिप्लोमा कंप्लीट करने से क्या है, आपके पास एक डिप्लोमा हो जाएगा जिससे कि आप लोग जेई लेवल के एग्जामिनेशन या बाकी चीज़ें के एग्ज़ाम आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट अप्रेंटशिप करने चले जाओगे तो आप जो अप्रेंटशिप करने के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किस चीज़ की करोगे, सिर्फ आईटी लेवल की या आईटी से जो भी वैकेंसी आती है उस लेवल की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा भी रहेगा और आईटी भी रहेगा तो आप जेई लेवल की और आईटी लेवल दोनों ही लेवल की आप लोग वैकेंसी की तैयारी साथ में अप्रेंटशिप करते करते आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। लेकिन मेरा एक मैंने जो अपना किया है, मैं बता दूं कि मैंने आईटीआई भी किया है, डिप्लोमा किया है आईटीआई लेटर एंट्री से, उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा के बेस पर अप्रेंटशिप भी कर लिया है। तो आईटीआई मेरा जो एडमिशन हुआ था आईटीआई के परसेंटेज वैसे मेरा डिप्लोमा में सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद मेरा जो लेटर एंट्री से, लेटर एंट्री से होने के कारण मेरा 2.5 साल का कोर्स हुआ था। उसके बाद मेरे को एक कुछ सब्जेक्ट की छूट मिली थी, उसके बाद मेरा थ्योरी नॉलेज वहाँ से बढ़ गया। आज मैं एग्जाम जो देता हूँ आईटीआई लेवल की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए भी अप्लाई करता हूँ, और जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आती है उसके लिए भी अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो, और साथ ही साथ दोनों अप्लाई करने के साथ अगर आप डिप्लोमा के बाद अप्रेंटशिप करते हो तो आप जो डिप्लोमा के साथ अप्रेंटशिप करने के साथ साथ आप आईटी लेवल और जेई लेवल दोनों वैकेंसी आपको तैयारी कर सकते हो और आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक एडवांटेज ये है कि आप अगर आईटी का डिप्लोमा कर ले तो आपका थ्योरी नॉलेज और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आईटी लेवल में बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं, बेसिक थ्योरी नॉलेज हम सीखते हैं, लेकिन डिप्लोमा में थोड़ा सा अच्छा खासा बेसिक से बढ़कर थोड़ा अच्छा खासा थ्योरी नॉलेज हमारा हो जाता है। देखिए आईटीआई में हम लोग प्रैक्टिकल बहुत करते हैं, प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें करते हैं, डिप्लोमा में हम लोग थ्योरी नॉलेज ले लेते हैं, तो हमारे पास आईटीआई प्लस प्रैक्टिकल, मतलब आईटीआई में प्रैक्टिकल और डिप्लोमा में थ्योरी, दोनों मिलाकर हमारे पास थ्योरी और आईटीआई मतलब प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज हमारे पास अच्छा खासा हो जाता है। तो इसके लिए आप चाहो तो पहले अप्रेंटशिप कर लो। अप्रेंटशिप करने का क्या है, देखिए अप्रेंटशिप क्या है, 1 साल का ट्रेनिंग रहता है, आप लोग को वहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, तो आप डिप्लोमा के बाद भी सीख सकते हो और डिप्लोमा का पहले भी सीख सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप लोग डिप्लोमा के बाद ही करो यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।